स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 अहम बैठक करने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना पर 3 उच्च स्तरीय बैठकें आज सुबह 10 बजे। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बैठक है। जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत के चलते मरीज परेशान, उनके परिजन परेशान, अस्पताल प्रशासन परेशान नजर आ रहे हैं। उसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी अहम बैठक करने वाले हैं। तो कोरोना पर बिगड़ते हालात का जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। कोरोना पर बने हालातों पर बड़े फैसले और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बंगाल दौरा भी रद्द किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट आज अस्पतालों की कमी, जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की किल्लत और लॉकडाउन समेत कई बिंदुओं पर सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बिंदुओं पर गुरुवार को भी सुनवाई की थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा था जिस पर आज केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस समय 6 हाईकोर्ट जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कोलकाता और इलाहाबाद शामिल हैं, इस मसले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें भ्रम की स्थिति है, लिहाजा एक राष्ट्रीय योजना होना बेहद जरूरी है। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार काफी तेज और सबसे पहले अगर बात करें पंजाब की स्थिति की तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 5,456 मामले सामने आए हैं। जी हां, मात्र 24 घंटे के अंदर अब ये आंकड़ा 5,000 को पार कर चुका है। 5,456 मामले पंजाब से सामने आए तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 76 लोगों की जान भी चली गई। पंजाब में कोरोना के 40,584 सक्रिय मरीज हैं तो वहीं अब तक कोरोना से 8,189 लोगों की जान जा चुकी है पंजाब भर में। वहीं बात कर ली जाए मोहाली की तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 931 मामले सामने आए हैं। मोहाली में काफी ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वहीं लुधियाना की भी कुछ ऐसी स्थिति है, यहां 24 घंटे में कोरोना के 880 मामले सामने आए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन रणनीति का प्लान तैयार करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है जो कि वैक्सीनेशन की प्राथमिकता को तय करेंगे। एक्सपर्ट ग्रुप में नामी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग, सीएमसी वेलोर की कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर जैकब जॉन और पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के पब्लिक हेल्थ स्कूल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार को जगह दी गई है, जिन्हें एक हफ्ते में वैक्सीनेशन प्लान साझा करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं तो इस स्वास्थ्य विभाग को केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पंजाब में ना लॉकडाउन लगेगा ना ही कोई और नई पाबंदी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक के बारे में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बताया है कि पंजाब को केंद्र सरकार से कोविड-19 की 4 लाख डोज मिल गई हैं। कैबिनेट बैठक में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बेड, वेंटिलेटर और मेडिसिन पर चर्चा हुई है। बलबीर सिद्धू ने कहा कि केंद्र ने वैक्सीन के लिए पंजाब का शेड्यूल जारी नहीं किया है जिस वजह से बार बार वैक्सीन की कमी हो रही है। फिलहाल पंजाब में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और दवाओं की कोई कमी नहीं। देखो अज वैक्सीन 4 लाख आ गई है तो ऑक्सीजन साढ़े को जी इस वे हैगी जिदा कल हरियाणा वाले थोड़ा बहुत अकड़ूड़ी करने की कोशिश की थी लेकिन जो सारा कुछ पाबंदी नहीं तो साढ़ा ऑलमोस्ट समूथली चल रहा नहीं कोई नवी पाबंदी कुछ नहीं सारा कुछ एज पर चलूगा तो लेकिन असी इनू जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करके छेती खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई के विरार में मौजूद अस्पताल में आग। जी हां, विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग से 13 लोगों के मरने की खबर। आईसीयू में देर रात 3:30 बजे के करीब आग लग गई है। अस्पताल में आग की वारदात मुंबई के विरार के विजय वल्लभ अस्पताल की और आग से 13 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है।
मुंबई के विरार में ये अस्पताल है जहां आग लगने की घटना सामने आई। आईसीयू में देर रात 3:30 बजे आग लगने की घटना, और आग इतनी भयंकर थी 13 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आग लगने के कारण क्या कुछ है फिलहाल उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लगातार इस खबर से जुड़ी अपडेट्स मिल रही हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि देर रात 3:30 बजे आग लगी है मुंबई के विरार में मौजूद इस अस्पताल में। आग की ये घटना विजय वल्लभ अस्पताल है यहाँ विरार में, और जहाँ पर आग लगने के बाद 13 लोगों की मौत की सूचना मिली है। तो बात करें कोरोना की, तो बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला, जी हां, जजों ने लिटिगेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर फैसला किया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। हाई कोर्ट 2021 में दाखिल की गई याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी। 22 अप्रैल 2021 से पहले दाखिल किए गए हैं वही लिस्ट किए जाएंगे। 23 अप्रैल 2021 से नए आदेश लागू होंगे। और जी मीडिया की टीम ने बठिंडा रेलवे स्टेशन के बाहर रियलिटी चेक किया। डीएसपी सिटी गुरजीत सिंह रोमाना ने बताया है कि जब से पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा है, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बठिंडा पुलिस अज फिर पूरे एक्शन के मूड है। कर्फ्यू लग चुका है रात के 8 बजे तो लेकर शाम सवेरे 5 बजे तक। तो इस वक्त असं बठिंडा के रेलवे स्टेशन के नज़दीक खड़े हैं। तुम देख सकते हो मौके पर डीएसपी सिटी इतने खड़े ने, तो हरेक जो लोग जोड़े है उन्होंने रोकया जा रहा है, चाहे कार है चाहे मोटरसाइकिल है, क्योंकि जोड़े लोग है कोरोना की कोई परवाह नहीं कर रहे। हालांकि पंजाब सरकार की तरफों नई गाइडलाइनस जारी कर दी गई है। जो कर्फ्यू जोड़ा है वो जरा रात के 8 बजे तो लेकर सवेरे 5 बजे तक कर दिया गया, परंतु जो लोग है बेखबर होकर आपके घरों बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने कोई कर्फ्यू पास है नहीं। तो बार बार पंजाब सरकार सेहत विभाग जी टीम हैगी बार बार लोगों को समझा रही है कोविड-19 केस आए दिन जोड़े बढ़ते जा रहे हैं। जोड़े लोग जोड़े है बेखौफ होकर घरों बाहर निकले ने, परंतु बठिंडा पुलिस हुण उन्होंने एक्शन ले रही है, उन्होंने मामले भी दर्ज कर रही है। अज भी जोड़े कई जोड़े है दुकानदार ढाबे या होटल उन्होंने रोकया गया, तो उन्होंने राउंड ऑफ किया गया, तो उन्होंने उत्ते जो कर्फ्यू जो उलंघना कर रहे हैं उन्होंने मामला दर्ज किया गया। तो इस तरह ही जोड़ा है बठिंडा पुलिस लोगों वास्ते कार्रवाई करती रहेगी जब तक लोग समझ नहीं जाते घरों बाहर नहीं निकल जाते, क्योंकि बठिंडा पुलिस का एक समझाना है लोगों को, तुम आपके घर रहो, कर्फ्यू लग चुके हैं। कर्फ्यू लगने के नाल ही जो लोग है आपके घर नहीं बैठते, बहानेबाजी मारते हैं। तो बठिंडा पुलिस हम पूरे एक्शन मोड है, आए दिन जो है रात के वक्त नाके लगते हैं, जोड़े लोग कर्फ्यू की उलंघना करते उन्होंने मामले दर्ज होते हैं। बठिंडा तो गोविंद सैनी, जी मीडिया। उधर बात करें अगर हरियाणा की, तो यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड नए 9,742 मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 55 लोगों ने अपना दम भी तोड़ दिया है। वहीं हरियाणा में अब तक कोरोना से 3,583 मरीजों की जान जा चुकी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रास्ते में चोरी हो गई है। ऑक्सीजन से भरा टैंकर पानीपत से सिरसा के लिए रवाना हुआ था, टैंकर सिरसा नहीं पहुंचा, जिसके बाद पानीपत ड्रग कंट्रोलर ने मतलौडा थाना में टैंकर चोरी होने का मुकदमा दर्ज करवाया है। जिस टैंकर में ऑक्सीजन जा रही वो पंजाब नंबर का था। तो लगातार ऑक्सीजन टैंकर चोरी होने के मामले भी अब सामने आने लगे हैं। एक तरफ देश में ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन की सप्लाई जिन राज्यों में की जा रही है, कई राज्यों के इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि उनके राज्यों में सप्लायर को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। अब एक और मामला यहां पानीपत से सामने आया है जहां पर ऑक्सीजन टैंकर की चोरी की वारदात देखने को मिली है। जिस टैंकर में ऑक्सीजन जा रही थी वो पंजाब नंबर का था, ये भी जानकारी सामने आई है। और IOC की 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रास्ते में चोरी होने का ये मामला, ऑक्सीजन से भरा ये टैंकर पानीपत से सिरसा के लिए रवाना हुआ था। साथ ही अगर बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर 24 घंटे में कोरोना के 1,774 मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की जान चली गई। वहीं प्रदेश में कोरोना के 11,859 सक्रिय मरीज हैं।
हिमाचल में अब तक कोरोना से 1241 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1774 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक 11,859 सक्रिय मरीज हैं। वहीं एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हालातों को देखते हुए जिले में डीसी कर्फ्यू लगा सकते हैं, नाइट कर्फ्यू या फिर धारा 144 लगाई जा सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक के बाद ये अहम जानकारी दी गई है। घर पर आइसोलेशन में रह रहे लोगों को सरकार न्यूट्री किट्स मुहैया करवाएगी। साथ ही 1 मई से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के 1 महीने की सैलरी का चेक कोविड रिलीफ में मदद के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची को सौंपा गया है। धर्मशाला समेत 5 नए ऑक्सीजन के प्लांट्स जल्द लगेंगे। ऐसे 13 प्लांट्स लगाने की बात कही गई है। प्रदेश में ऑक्सीजन पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोरोना से अलग 31 मार्च से 30 सितंबर 2021 तक 3 साल पूरे करने पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। साथ ही 2 BDO के पदों की पूर्ति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यानी कि प्रदेश सरकार की अनुमति से जिलाधीश जो है वो चाहे वो कर्फ्यू हो या धारा 144 की इम्पोजिशन हो, उसके बारे में निर्णय स्वयं जो है वो ले सकेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जो 3 साल 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरे करते हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलर कर दिया जाए। उधर श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम को लेकर तैयारियां कर ली हैं। सख्त तख्त श्री केसगढ़ साहिब के सामने ग्राउंड में बड़ा वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा है। कोरोना के चलते पंजाब सरकार ये समागम कैसे करेगी, ये अभी साफ नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। समागम 29, 30 और 1 मई को होना है। हालांकि पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने बताया है कि सीएम कैप्टन के साथ एक मीटिंग होनी है और वहीं तय होगा कि आगे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रखी जाएगी। एसजीपीसी की प्रधान बीबी जागीर कौर पत्रकारों से मुखातिब हुई और उन्होंने एसजीपीसी की बैठक में हुई फैसलों के बारे में जानकारी दी, जिसमें 400 साल प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। उन्होंने पाकिस्तान से लौटे सिख श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पर कहा कि सरकार की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव श्रद्धालुओं को एक ही बस में बिठा दिया। बीबी जागीर कौर ने कहा कि कोरोना से पीड़ित श्रद्धालुओं की एसजीपीसी देखरेख करेगी। वहीं उन्होंने डीएचसीएमसी के चुनाव टालने को लेकर भी तंज कसा कि जब बंगाल में चुनाव हो सकते हैं फिर इन्हें क्यों टाला गया। हरियाणा में अवैध खनन माफिया किस कदर अपना जाल बिछा चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवैध खनन करने वालों की धरपकड़ में जुटी सरकारी अधिकारियों की टीम की रेकी करके उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर बने ग्रुप में कोड वर्ड के जरिए साझा की जाती है। सबसे पहले बात यमुनानगर के गुमथला और खिजराबाद माइनिंग जोन की करेंगे, जहां अवैध खनन के खेल में शामिल गाड़ियों के रास्ते को सेफ क्लियरेंस देने के लिए रेकी करके ग्रुप में सूचना दी जाती है। ग्रुप में जोड़िया नाका हाईवे 4 लेन, औरंगाबाद, राधौर और गुमथला नामों का जिक्र किया गया है। इन लोगों के तार यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, पंचकुला और अम्बाला सहित कई जिलों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल की शाम कुछ ट्रक बारा लाचाला दर्रा पर सड़क से फिसल गए थे, जिससे लेह की तरफ से यातायात रुक गया था, जिसमें कई लोग फंस गए थे। लेकिन 35 घंटे से ज्यादा समय तक चले ऑपरेशन के बाद लाहौल और स्पीति पुलिस, बीआरओ और जिला प्रशासन ने 234 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। करीब -25 डिग्री तापमान में 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित बारा लाचाला दर्रे पर बर्फीले तूफान के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है।